और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें और मज़ा भी आता है पढ़ाने में, और सभी लोग जीवंत होकर के एक बढ़िया बढ़िया माहौल के साथ पढ़ाई करिए। यहाँ पर कोई भी कम ज़्यादा वाली बात नहीं है, यहाँ पर सहयोग की भावना से पढ़ाई हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं ज्वाइन करें, अगर आपको कोई चीज़ आती है, बढ़िया चीज़ है, कोई नई ट्रिक आती है, तो जैसे पिछले तीन दिन से चार दिन से, आज ये 17वीं क्लास है, तो पिछली 16 क्लासेस से समर्थन सहयोग सबका बना हुआ है। अपना अपना लोग आ करके मेथड बताते हैं, वैसे आप लोग भी बताइए, बिल्कुल बताइए। चलिए मित्रों, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, अजय सर नमस्कार। अजय सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ मित्रों, एक बार बताइए, स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिख रही ना? हेलो मित्र सर, दिख रही है सर? जी जी सर, बस यही पूछ रहा हूँ। ठीक है सर, ओके 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 सर। तो क्लास स्टार्ट कर दी जाती है आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है मित्रों आज का, वन प्लस आई, TGT में पूछा हुआ क्वेश्चन, वन प्लस आई अपॉन रूट टू की होल पावर 8 और वन माइनस आई अपॉन रूट टू का होल पावर 8 का मान क्या होगा? आज की क्लास का उद्देश्य केवल शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन करना है। आज के ज़्यादातर क्वेश्चन मैं आपको शॉर्ट ट्रिक से करवाऊंगा, पूरा नहीं करना है, केवल शॉर्ट ट्रिक करना है। चलिए बताइए जल्दी से फटाफट इसका मान क्या होगा। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। दो। हाँ सर बोलिए सर। दो, बिल्कुल सही सर, वेरी गुड। देखिए इनको पता है, इनको शॉर्ट ट्रिक पता है। मित्रों देखिए, कभी भी वन प्लस आई की पावर कुछ भी हो तो उसकी दो पावर चुरा लीजिए सबसे पहले। यहाँ पर वन प्लस आई की पावर है तो वन प्लस आई का पावर दो का होल पावर कितना हो जाएगा? 4। और नीचे रूट टू का पावर दो यानी कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, और 1 माइनस आई का होल पावर 2 का होल पावर 4 और रूट टू का पावर 2 खोल देंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 बन जाएगा। देखिए मित्रों अब कैसे होता है, आप सब लोग जानते हैं 1 प्लस आई का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाता है कैंसिल, मतलब ये बनेगा 2i का पावर 4 अपॉन 2 का पावर 4 यानी कि 16 और ये बन जाएगा माइनस 2i का पावर 4 अपॉन 2। ओके, तो 16 अपॉन 16 और i का पावर 4 होता है 1, तो ये 1 ही हो गया, प्लस 16 अपॉन 16 इंटू 1, ये भी 1 कैंसिल, ये भी कैंसिल, आंसर आएगा 2। कहिए मित्रों समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। चलिए अगले सवाल की, देखिए मित्रों जिनको क्वेश्चन समझ में ना आए वो थोड़ा सा बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, है ना। स्पीड तेज है, इसका मतलब ये नहीं कि आप पूछें ना, यदि कोई कंसेप्ट आपका मिस हो गया है, 11वीं 12वीं का नहीं बन रहा है, तो पूछने में कोई बुरी बात नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है, जिसको बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, अगर ओमेगा इकाई का घनमूल है तो आपको बताना है कि 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 3 प्लस ओमेगा की पावर 100 का मान क्या होगा। चलिए आपको बताना है कि ओमेगा की पावर 100 का मान क्या होगा। ऑप्शन है आपके पास में माइनस ओमेगा स्क्वायर, बी है ओमेगा, सी है माइनस ओमेगा और डी है माइनस 1। चलिए बताइए। ओमेगा ऑप्शन बी ओमेगा। चलिए आपका कहना है कि इसका ओमेगा होगा। अच्छा सर देखिए, आप जानते हैं कि आप ये जानते हैं कि ओमेगा की लगातार 3 पावर का सम कितना होता है? 0। ओमेगा की लगातार 3 पावर का सम जो होता है वो 0 होता है, मतलब ओमेगा की पावर यदि 100 कह लो और ओमेगा की पावर 99 कह लो और ओमेगा की पावर 98 कह लो, तो यहाँ इनका तीनों का सम कितना होता है? 0 होता है, है ना। तो अगर आप 3-3 के जोड़े बनाएंगे तो 2 से लेकर के 100 तक, 2 से लेकर के 100 तक जो है
बताइए क्या तीन तीन के जोड़े माइनस बन, ओमेगा स्क्वायर दो हाँ, 2 से लेकर के 100 तक क्या तीन तीन के जोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बताइए। दो से लेकर के 100 तक क्या तीन तीन के जोड़े बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बताइए एक बात। जी सर बन जाएंगे ना? जी 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 तो भैया जी 2 से लेकर के, दस सर बनेंगे हाँ देखिए, अगर ये ओमेगा सर की पावर 1 से शुरू होता, यहाँ पर ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल 99 पद हैं, बोलिए हाँ या ना, है ना 99 जी पद, सर जी सर हाँ। यस सर यस तो सर भैया 99 पद हैं, अगर अगर ये 99 पद हैं तो मैंने आपको क्या बताया, अगर ये 99 पद हैं तो इनका सम कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ओमेगा की लगातार 3 घातों का सम 0 होता है, तो केवल आपके पास क्या बचा, 1 प्लस ओमेगा, और आप जानते हैं 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर 0, तो कितना हो जाएगा उत्तर, माइनस का ओमेगा स्क्वायर। माइनस बाकी इसको किस फॉर्म से करते हैं, जीपी के फॉर्म से करते हैं, आपका समय जी सर खराब जीपी होगा, से कर सकते हैं और जीपी से करेंगे तो आपका समय ज़्यादा लगेगा, मगर इस तरीके से देखेंगे तो आपका समय कम लगेगा, आंसर आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। और एक ट्रिक मित्रों मैं आपको और बता देता हूँ, ओमेगा की पावर 3n प्लस ओमेगा की पावर 3n+1 प्लस ओमेगा की पावर 3n+2, कभी भी आंसर आ जाए आंसर कितना, 0। जीरो ओमेगा की लगातार 3 पावर का सम 0 होता है, चाहे कोई भी पावर आ जाए, ओमेगा की पावर 2n, ओमेगा की पावर 2n+1, ओमेगा की पावर 2n+2, सबका सम 0 होता है, लगातार 3 पावर का सम 0 होता है। शॉर्ट ट्रिक बना के लिख लीजिए कि ओमेगा की लगातार 3 घातों का सम 0 होता है। अगला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो हर वर्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन के एग्जाम में आया है, इसके बिना केवी का पेपर और एनवीएस का पेपर नहीं बनता है, इस क्वेश्चन के बिना, और टीजीटी में भी एक दो बार पूछा गया है। आइए ये क्वेश्चन देखिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है यदि x बराबर -5 प्लस 2 अंडर रूट -4 है, तो x की घात 4 प्लस 9x³ प्लस 35x² और माइनस का x और प्लस का 4 का मान ज्ञात कीजिए। ये लीजिए मित्रों, आपको कह रहा है इसका आपको मान ज्ञात करना है। अब आप सोचेंगे कि चलिए सर एक्स का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं, तो एक्स का सिंपल फॉर्म करेंगे तो एक्स बराबर -5 प्लस 2, और रूट फोर को क्या लिख सकते हैं, -√4 को लिख सकते हैं -√1 और √4, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आई, तो ये 2 आई, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा -4, -5 प्लस 4 आयोटा। ओके, इसके ऑप्शन लिख देते हैं हम आपके लिए, ऑप्शन है 160, बी है 240, तीसरा है सी -160 और डी है 4। अनभिज्ञ व्यक्ति को अगर ये क्वेश्चन देंगे तो क्या बोलेगा, वो बोलेगा कि भैया एक्स का वैल्यू उठा उठा के रखते जाओ, वो कहेगा कि एक्स का वैल्यू उठा उठा के रखते जाइए, यहाँ पे रखिए एक्स का वैल्यू, यहाँ पे रखिए और सॉल्व करते जाइए, उसमें देखिए 12 बच जाएगा, बेंड बच जाएगा पूरा क्वेश्चन का, इतना वैल्यू पावर 4 सॉल्व करेंगे पूरा पेपर हो जाएगा उतने में, तो है ना, तो मतलब हमको ऐसे सॉल्व नहीं करना है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको फिर क्या करना है, आपको जुगाड़ लगाना है, आप एक्स प्लस 5 को यहाँ लेके आइए, यहाँ क्या बच गया 4i बच गया, अब दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो x² + 10x = 25 = 4i² होता है -4। x² ये हो गया 25 और 4i² सॉरी 4i² हो जाएगा माइनस का 16, मैं 4 बोल रहा था क्योंकि 4i² कीजिए तो 4 का स्क्वायर 16 और आई -160 आ रहा है इसका आंसर। हाँ -160, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया, आपने हमसे भी जल्दी निकाल लिया, बहुत बढ़िया, अच्छा स्पीड है आपकी। तो x² + 10x + 25 + 16 = 0, मतलब जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x² + 10x + 41 = 0। ये इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, x² + 10x + 41 = 0। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है, तो दो तरीके हैं, या तो भाग दे दो नहीं तो एडजस्ट कर दो। तो आइए हम आपको एडजस्ट करके दिखाते हैं कि इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे।
ठीक है ना। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, देखिए हमारे पास इक्वेशन है x की पावर 4 प्लस 9x³ प्लस 35x² माइनस एक्स प्लस 4। ये हमारे पास अपना एक्सप्रेशन है, इसको पॉलिनोमियल मान लीजिए, जिसका वैल्यू हमको निकालना है। और हमारे पास जो आया है, जिसको हमको एडजस्ट करना है, वो क्या है, x² प्लस 10x प्लस 41 बराबर कितना, 0। अब आप ध्यान से देखिए, ये x की पावर 4 रहने दीजिए, अगर मैं इसको मैं 10x³ कर दूं, तो इसका मतलब मेरे को बाद में माइनस x³ करना पड़ेगा, क्योंकि 9 था मैंने 10 कर दिया। अगर मैं 35 में 6 जोड़ करके इसको 41x बना दूं, 41x², तो मेरे को यहाँ पे माइनस 6x² माइनस भी करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने 6 जोड़ा है। अब बाकी की जो वैसी की वैसे रख दीजिए, माइनस का एक्स और प्लस का 4। अब देखिए फ़ायदा, अगर आप यहाँ से x² कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा x² प्लस 10x प्लस 41, और बाकी देखिए क्या क्या बच गया, माइनस का x³, माइनस का 6x² और माइनस का x और प्लस का 4। देखिए ये 0 हो गया, ये कितना है, 0। तो x² इंटू 0 बराबर कितना हो गया, 0। अब आपके पास क्या बचा है, देखिए आपके पास बचा है माइनस का x³। अब ये है माइनस का 6, बनाना है कितना, 10x। तो एक काम करते हैं, हम माइनस का 4 इसमें ऐड करते हैं, तो ये हो गया माइनस का 10x², और हिसाब बराबर करने के लिए प्लस का 4x² कर दिया, क्योंकि 6 और 4 10, तो 4x² अपन ने माइनस किया, तो 4x² प्लस कर दिया। और क्या चाहिए हमको, हमको चाहिए 41। तो ये माइनस का एक्स है, ठीक है ना, ये माइनस का एक्स है, तो हमको माइनस एक्स को 41 बनाने के लिए हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, माइनस 41x हो गया, तो हमको इसमें माइनस 40x ऐड करना पड़ा, तो हमको यहाँ पर प्लस 40x भी सभी हटाए हैं, तो इधर जोड़ेंगे प्लस 41x, ठीक है, प्लस 41x। और क्या बच गया भैया, और बच गया है अपने पास में, ये हो गया 41x हो गया, x³ हो गया, 6x² हो गया, अब प्लस 4, प्लस का 4, ये हो गया, देखिए ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ से माइनस एक्स कॉमन ले लें, तो क्या बचेगा, x² प्लस 10x प्लस 41x, ओके, और प्लस क्या बच गया, 4x² प्लस, यहाँ पे हमसे गलती हुआ, हमको 41 नहीं देना था, हमको 40 देना था, क्योंकि एक एक्स तो ऑलरेडी था, तो यहाँ पे आएगा प्लस 40x प्लस 4, तो माइनस का एक्स, और ये कितना हो गया, 0, तो ये फिर से 0 हो गया, ओके। अब आप देखिए यहाँ पे ये 4x² है और प्लस 40x प्लस 4 है, और हमारे पास जो इक्वेशन है वो कितना है, देखिए यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x² प्लस 10x प्लस 41। तो यदि मैं यहाँ पे 4 कॉमन ले लूँ, तो मेरे पास कितना बचेगा, x² प्लस 10 का x और प्लस का 4। ध्यान दीजिए ये वाली इक्वेशन में x² प्लस 10x का वैल्यू कितना आएगा, माइनस 41, तो यहाँ पे आएगा प्लस का 4 और माइनस का 41 और प्लस का 4। आंसर निकालिए, 4 बन जा 4 और 4 चक 16, माइनस 164 और प्लस 4, तो आंसर आया माइनस का 160। सर आपने बहुत जल्दी निकाल लिया था इसका आंसर, कोई ट्रिक है कि आपने इसको पहले कर रखा था जी? सर मैंने इसको लॉन्ग डिवीजन से क्या थोड़ा फास्ट हो जाता है। अच्छा, लॉन्ग डिवीजन से थोड़ा फास्ट हो जाता है, वैसे भी मेरे पास ट्रिक है, मैं फैक्टर बनाता हूँ, वहीं पे उसको अरेंज कर लेता हूँ डिवाइजर से। हाँ मतलब जैसे मैंने किया वैसे ही करेंगे और क्या, है ना, मैं तो ऐसा कर लेता हूँ, और वैसे भी मैं थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ, ना तो फिर मैं करता हूँ लॉन्ग डिवीजन से, उसे बहुत जल्दी आता है मेरा, प्रैक्टिस के ऊपर बस ये है। अच्छा, हाँ लॉन्ग डिवीजन से मुझे, लॉन्ग डिवीजन से भी एक रास्ता है, परंतु लॉन्ग डिवीजन से मुझे लगता है थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैंने लॉन्ग डिवीजन से नहीं कराया। सर नहीं, जो कुछ ऐसे बच्चे हैं ना जो मतलब कॉन्सेप्ट बहुत वीक है, तो उन्हें जल्दी से क्लिक नहीं होता, जो आप या मैं जानता हूँ, मतलब ऐसे है। चलिए ठीक है, क्योंकि उनको फैक्टर करना नहीं आएगा ना सर जल्दी से। हाँ, कोई बात नहीं सर, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर्ष सर बोलो, हर्ष सर कुछ बताओ ट्रिक। जी सर, कुछ ट्रिक बताओ हर्ष भाई। सर इसकी
इसकी तो कोई ट्रिक नहीं, इसकी इसको तो सर ऐसे ही सॉल्व कर पाते हैं, हम लोग भी ऐसे ही अरेंज करते हैं। चलिए सर ठीक ओके है, सर ठीक है सर। अगर कोई चीज देखो तो जिसमें कोई ट्रिक आती है तो प्लीज एक दूसरे की हेल्प कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमें तो लगता है आप सीनियर हैं, आपको ज्यादा पता होना चाहिए। मैं तो कहने वाला था कि सर से पूछिए, सर के पास जरूर कोई ना कोई ट्रिक होगी। चलिए सर कोई ट्रिक ऐसा इसका नहीं नहीं है बस। है, अब जिसका है ही नहीं तो उसके क्या कर सकते हैं, है ना सर। हाँ सर बिल्कुल हाँ सर। चलिए सर, खैर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ब्रांडेड क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखिए, अगर ए बराबर कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, ओके, बी बराबर कॉस बीटा प्लस आई साइन बीटा, और सी इक्वल टू कॉस गामा प्लस आई साइन गामा है, आई साइन गामा है, तो आपको बताना है बी अपॉन सी प्लस सी अपॉन ए प्लस ए अपॉन बी का मान अगर 1 हो, ये कंडीशन दी गई है, बी अपॉन सी, सी अपॉन ए और ए अपॉन बी का मान अगर आपको 1 दिया गया है, तो आपको बताना है कि कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है ए 3/2, बी -3/2, सी 0, डी 1, ये हैं 4 ऑप्शन। चलिए देखिए मित्रों इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे ही अपने पास है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा, मैं क्या लिख सकता हूँ, ए इक्वल टू ई की पावर, ये है आई अल्फा, क्योंकि ये आइलर फॉर्म में दिया है, ए इक्वल टू ई की पावर आई अल्फा, बी इक्वल टू ई की पावर आई बीटा और सी इक्वल टू ई की पावर आई गामा। तो यहाँ से बी अपॉन सी और सी अपॉन ए प्लस ए अपॉन बी इक्वल टू 1, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपने कह दिया है सर 1। अच्छा सर देखते हैं सर इसका सही आंसर क्या होगा, अभी देखे नहीं है। देखिए सर अब यहाँ से अब जो है अपने पास में, नहीं 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 हाँ देखिए सर, यहाँ से बी अपॉन सी, बी अपॉन सी यदि रखा जाए तो ई की पावर आई बीटा अपॉन सी यानी ई की पावर आई गामा प्लस सी अपॉन ए यानी ई की पावर आई गामा अपॉन ई की पावर आई अल्फा प्लस ई की पावर आई अल्फा अपॉन ई की पावर आई बीटा इक्वल टू कितना होगा 1। इसको मैं लिख सकता हूँ ई की पावर आई बीटा माइनस गामा प्लस ई की पावर आई गामा माइनस अल्फा प्लस ई की पावर आई अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ये स्टेटमेंट बहुत काम का है। अब इसी स्टेटमेंट से आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसी स्टेटमेंट से जो है आगे का क्वेश्चन सॉल्व होगा। आइए देखते हैं कैसे, इस स्टेटमेंट से आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। सर हाँ सर बोलिए। ये यहाँ पर प्लस रहेगा कि इंटू रहेगा, मल्टीप्लाई में थोड़ा ना है सर, बीच में प्लस में दिया है ना सर, बीच में देखिए प्लस में दिया ना कि मल्टीप्लाई, हाँ 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 बीच में प्लस दिया है, बीच में प्लस दिया है तो मेरे को प्लस करना पड़ा है ना सर। हमने सोचा आपने 1 को चेंज किया आपने, हाँ हाँ सर प्लस दिया है बीच में तो अपन अच्छा, को प्लस करना पड़ा। चलिए सर अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अपन जानते हैं ई की पावर आई थीटा बराबर कॉस, तो ये हो जाएगा कॉस बीटा माइनस गामा प्लस आई साइन बीटा माइनस गामा, तो ये हो जाएगा अगला कॉस ऑफ गामा माइनस अल्फा प्लस आई साइन गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस ऑफ अल्फा माइनस बीटा प्लस आई साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। रियल पार्ट अलग कर लीजिए मित्रों, कॉस ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस आई साइन, सॉरी आई नहीं कॉस ऑफ, ये किसी के यहाँ से नॉइस आ रहा भैया, इसको प्लीज़ बंद कर लो, अल्फा माइनस बीटा प्लस आयोटा साइन ऑफ बीटा माइनस गामा प्लस साइन ऑफ गामा माइनस अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू कितना हो गया 1। तो यदि रियल पार्ट की तुलना करें तो यहाँ पे रियल पार्ट है 1 और 1 प्लस 0 आयोटा, मतलब ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा और ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और हमसे आंसर में यही पार्ट पूछा गया है।
देख लीजिए आप क्वेश्चन में कॉस बीटा माइनस गामा साइन बीटा माइनस गामा कितना होगा, तो क्वेश्चन में हमसे यही पार्ट पूछा गया था कि कॉस बीटा माइनस गामा प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा कितना होगा, तो इसका आंसर है 1। बताइए मित्रों समझ में आया कि नहीं आया? जी सर आ गया। चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नोट करेंगे, थोड़ा सिस्टम ये वाला पीपीटी हैंग हो गया है, इसको एक बार फिर से मैं रिस्टार्ट करता हूँ। तब तक आप मुझे बताइए, कॉपी में लिखिए ए इंटू एडजॉइंट टी का मान क्या होता है। ए इंटू एडजॉइंट टी सर डेल ए रेस टू एन माइनस टू इंटू ए। अच्छा, ए इंटू एडजॉइंट टी दैट इज इक्वल्स टू आपने बताया डेल ए, क्या क्या कहे सर बताइए एक बार फिर से जरा। डेल की पावर एन माइनस टू इंटू ए। अच्छा, आप गलत बता रहे हैं सर, मैं आपको बता रहा हूँ। गलत है सर? गलत है सर, गलत सर, बता रहे हैं। हाँ सर, आप गलत बता रहे हैं। आप जो मुझे बता रहे हैं, आप मुझे डबल एडजॉइंट बता रहे हैं, जबकि मैंने आपसे ए इंटू एडजॉइंट पूछा है। चलिए देखिए मित्रों, मैं आपको अच्छा, आपने ए इंटू एडजॉइंट बोला ना, हाँ करेक्ट, मैंने आपसे पूछा है ए इंटू एडजॉइंट ए, तो ये समझिए सबसे पहले ये मैट्रिक्स है और मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स और मैट्रिक्स का गुणनफल एक मैट्रिक्स आएगा, तो ये होता है मॉड ऑफ ए इंटू आई, मॉड ऑफ ए इंटू आई। ये तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है उसका एनसीईआरटी का, मॉड ऑफ ए इंटू आई, ठीक है ना। और अगर आप इसका मापांक ले लें, मॉडुलस ले लें ए इंटू, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड ले लें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ये कितना आता है, ये आता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन। क्यों? क्योंकि भैया ये तो कांस्टेंट है, ये क्या आएगा कांस्टेंट। मान लो डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई के, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू आ गई के, तो के साथ अगर आई का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हाल होंगे, के जीरो जीरो, जीरो के जीरो और जीरो जीरो के, ये होंगे। बोलिए हाँ या ना मित्रों, होंगे ना कि नहीं होंगे बताओ। हाँ, अब देखिए, अब कह रहा है इसका डिटर्मिनेंट ले लो, तो अगर आप इस चीज़ का डिटर्मिनेंट लेते हो तो आपको पता है कॉमन के यहाँ से भी आएगा, के कॉमन यहाँ से भी आएगा मैट्रिक्स में, और के कॉमन यहाँ से भी आएगा, तो क्या बनेगा के का क्यूब, यानी डिटर्मिनेंट ए की पावर 3, और 3 यहाँ पे क्या है, ऑर्डर है मैट्रिक्स का, क्रम है, मतलब डिटर्मिनेंट ए की पावर एन, ये आ गया। अब इससे एक और नया फॉर्मूला बनता है मित्रों, क्या लगती है मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट की थ्योरम, डिटर्मिनेंट ए इंटू बी बराबर होता है डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी, सारणिक ए सारणिक बी, तो इसको खोल दो तो ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ए और डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए की पावर एन, तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन अपॉन ए का डिटर्मिनेंट, एक कैंसिल हो गया, आंसर लिखिए डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। नोट करिए सभी लोग, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन, ठीक है, आ गया मित्रों समझ में? आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला कॉन्सेप्ट लिखिए, अगर आपको बोला जाए एडजॉइंट ऑफ ए, तो जो सर ने बताया था वो होगा भैया क्या होगा, देखिए एडजॉइंट ऑफ डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, नोट कर लीजिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए। देखा सभी, क्लियर है क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस टू इंटू ए, ये एक बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है। चलिए अगले कंसेप्ट की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, क्वेश्चन है कि यदि 1 प्लस
रूट थ्री आई का होल पावर 12 बराबर है एक्स प्लस आई वाई। अगर 1 प्लस आई रूट थ्री आई का होल पावर 12 है कितना एक्स प्लस आई वाई, तो बताना है आपको कि y की घात 1/12 क्या होगी। तो आपको बताना है कि y की घात 1/12 क्या होगी। देखिए बच्चों, कभी भी अगर बहुत हाई पावर का क्वेश्चन आए तो याद रखिए कि ये ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म से ही सॉल्व होगा, ठीक है ना। याद रखिए कि ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म से सॉल्व होगा। जब ये हम क्वेश्चन करा रहे थे ये वाला, तो हमारे एक सर ने इसका आंसर देखते ही 1 बोल दिया था। मैं उन सर से जानना चाहूँगी कि क्या आपके पास उसकी कोई ट्रिक है कि आपने ये क्वेश्चन पहले से करके बैठे थे। जो नहीं नहीं सर, जो आप असल में कहना, मैंने इसको एलर से किया है। हाँ। जो आपने लिखा ना ये डिफरेंट येलो कलर से, ऐसे ही किया तो मैंने एकदम डायरेक्ट इसे से कर दिया। अच्छा ठीक है, चाहे आपने शीघ्रता से कर लिया होगा, है ना सर जी। चल, आपने जल्दी कर लिया होगा क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन करता हूँ, आपने फटाफट सॉल्व कर लिया होगा, है ना सर जी। सर चलिए, तो ये क्वेश्चन है, तो बताइए सर मेरे को, आप बताइए इसको कैसे करेंगे, कोई आइडिया है आपके मन में? हमको आइडिया है सर। बताइए सर। सर बिल्कुल सही कहा सर ने कि सर इसमें 2 का गुणा कर दीजिए और 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2 का भाग दे दीजिए और होल पावर 12, मतलब बाहर चला गया 2 का पावर 12 और अंदर बच गया 1 बाई 2 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2 और आयोटा, जिसको हम लिख सकते हैं 2 का पावर 12। यह है कॉस 60 यानी कॉस पाई बाई 3 और ये है प्लस आई साइन पाई बाई 3। यही कहना चाह रहे हैं ना सर, होल पावर 12, है ना सर। ओके, अब आप जानते हैं भैया एक प्रॉपर्टी होता है कि आर्गुमेंट ऑफ जेड का पावर एन बराबर एन टाइम ऑफ आर्गुमेंट ऑफ जेड, मतलब जो पावर होता है वो एंगल में घुस जाता है, वो 12 जो है पाई बाई 3 में घुस जाएगा, तो 2 का पावर 12 बराबर कॉस ऑफ 12 पाई बाई 3, तो 12 पाई बाई 3 मतलब भैया 4 पाई और प्लस आई साइन 4 पाई, ये भी हो गया। साइन का कोई भी पाई हो मित्रों, आंख मूंद करके लिख लीजिए, साइन का एन पाई 0 होता है। क्यों? क्योंकि साइन का जो सांप होता है वो 0 से दौड़ता है। तो ये देखिए, 0 के बाद पाई पे फिर 0 हुआ, फिर 2 पाई पे 0 हुआ, फिर 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, तो साइन जितना भी पाई होता है साइन का सांप 0 से दौड़ता है, इसलिए साइन एन पाई बराबर 0 होता है। मगर कॉस का जो इवन पाई होता है उस पर वैल्यू प्लस 1 होता है और कॉस का ऑड पाई पर वैल्यू माइनस 1 होता है। लिख लो, कॉस का इवन पाई, इवन पाई यानी सम पाई पर वैल्यू प्लस 1 और कॉस का विषम पाई पर वैल्यू होता है माइनस 1, ये याद कर लीजिए, ठीक है। कॉस का इवन पाई पर वैल्यू प्लस 1 और कॉस का ऑड पाई पर वैल्यू माइनस 1। इवन नंबर को 2n भी बोलते हैं, इसलिए कॉस 2n पाई प्लस 1 होता है, ये फॉर्मूला भी बोला जाता है। चलिए खैर, आगे आते हैं आपको जो बता रहे थे उस पर। तो कॉस 4 पाई इवन पाई है, 2 का 12 ये हो गया 1 और ये हो गया 0, तो आंसर कितना आया 2 का पावर 12। अब क्वेश्चन क्या है, ये क्या है x प्लस आई वाई है और आपसे पावर y का पावर, तो x प्लस आई वाई बराबर 2 का पावर 12 प्लस इमेजिनरी पार्ट 0 है यानी 0। अब आपसे बोला गया है कि y का पावर 1/12 क्या होगा, तो देखिए भैया यहाँ से तुलना करिए, तो y बराबर कितना हो गया 0। अब तुम y का पावर ब्रह्मांड लगा दोगे तो भी 0 का पावर 0 ही आएगा, तो y का पावर 1/12 करो, कुछ भी करो, 0 का पावर कितना आएगा, 0 आएगा। तो आंसर लिखिए भैया इसका 0। कहिए मित्रों, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, जी सर। पूछ रहा था। हाँ सर बोलिए सर। नेचुरल नंबर की जब खोज हुई थी, एक बात है, कभी बच्चे ने पूछा था हमसे, जब नेचुरल नंबर की खोज हुई थी तो उसमें 0 नहीं था। हाँ। उसके बाद होल नंबर खोजा गया। हाँ। तो नेचुरल नंबर में जैसे अगर 10 ऑन लिखना रहा होता तो उसमें कैसे लिखते थे, बाद दूसरा कोई नंबर था क्या? सर नेचुरल नंबर की जो खोज सर देखिए, नहीं 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 सर, शून्य की खोज जो है सर, है ना, शून्य की खोज जब तक नहीं हुई थी तब तक एक के बाद 10 नहीं बनता था सर। हाँ
है ना। अच्छा सीधे 9 के बाद अगला नंबर 11 बनता था सर, ठीक है। लेकिन हमने जहां तक बात सर्च मारे थे कि 1 के बगल में एक बिंदी लगती थी, जीरो नहीं बिंदी लगती थी, उसे 10 कंसीडर किया था, जैसा ऐसा हमने कहीं जगह पढ़ा था, नेट पर सर्च किया था, बच्चों को हमने यही बताया था। हाँ लेकिन आज जीरो आया तो मुझे याद आ गया जब पूछे सर। हाँ और ये दोनों ही बहुत समकालीन घटनाएं हैं सर, क्योंकि इतना ज़्यादा उस समय तक नंबर सिस्टम डेवलप नहीं हुआ था, मतलब कोई बहुत बड़ा, और लोग ऐसा कोई आधार भी नहीं है कि नेचुरल नंबर, ये तो हमने बाद में आके बनाया ना सर, नेचुरल नंबर वगैरह क्लासिफिकेशन इसका जो वर्गीकरण होता है ये हमने बहुत बाद में आके दिया है, पहले तो ये वर्गीकरण ही उपलब्ध नहीं था सर। चलिए अगला सवाल करते हैं, बढ़िया सवाल अगला, चलिए सवाल करिए इसको ऊपर आ जाओ भाई। हाँ अगला सवाल है, क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन है 1 + 2i साइन थीटा और 1 - 2i साइन थीटा अगर वास्तविक हैं तो थीटा का व्यापक हल क्या होगा, थीटा का व्यापक हल हल क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए (n π - π/2), ऑप्शन नंबर बी (n π), ऑप्शन नंबर सी (n π/2), या ऑप्शन नंबर डी (n π + π/2)। ये आपको बताना है कि इसका व्यापक हल क्या होगा। चलिए बताइए मित्रों, अभी आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया है और कह रहा है वास्तविक है, तो आप लोग सब जानते हैं कि अगर कोई वास्तविक संख्या होता है तो उसका जो काल्पनिक भाग होता है वो जीरो होता है। आंसर इज (n π). चलिए आंसर (n π) क्या किए होंगे सर जी, रेशनलाइज किए होंगे 1 सर वही पहले इसका कंजुगेशन 1 + 2i इमेजिनरी जीरो कर दिया, 1 - 2i sin थीटा मल्टीप्लाई करके 1 - 2i sin थीटा अपॉन 1 - 2i sin थीटा। ओह यहां प्लस आएगा, यहां प्लस आएगा। चलिए तो देखिए यहां पर कितना, ऑप्शन से चेक कर लीजिए n पर जाएगा, ऑप्शन से चेक करके क्या आएगा सर, ऑप्शन से तो चेक तब हो पाएगा सर जब इसके उसको इसको हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट नंबर बनाए, कॉम्प्लेक्स नंबर तब तो होगा ऑप्शन से चेक, क्योंकि पाई होगा तो बन नहीं जाएगा सर। सर 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 इमेजिनरी पार्ट बिना छांटे कैसे ऑप्शन से चेंज कर लेंगे बताइए हमको जरा सर, इसका जैसे रियल पार्ट पूछ रहा है तो ये पार्ट जीरो होगा। अरे गुरुजी 1 + 2i / 1 - 2i तब भी बनेगा, तो फिर भी तो सर 1 + 2i / 1 - 2i बनेगा ना सर, लगाइए अभी बाद में इमेजिनरी पार्ट जीरो करना ही पड़ेगा सर, उसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, परिमेयीकरण करना पड़ेगा (a² + b² तो i का स्क्वायर हो गया -4 sin² थीटा है ना, और यह आ जाएगा प्लस, एक मिनट भाई हाँ रुक जाइए, ये माइनस आएगा सॉरी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा +4i sin थीटा और नीचे (a² + b² तो 1 + 4 sin² थीटा। देखिए इमेजिनरी पार्ट कितना आया, इमेजिनरी पार्ट आया (sin² sin θ / 1 + 4 sin θ) ये आ गया, तो इमेजिनरी पार्ट जो आया इसका वो आया है कितना भाई, वो आया है 4 sin θ / 1 + 4 sin² थीटा, इसको क्या करना पड़ेगा जीरो करना पड़ेगा, तो जीरो होने के लिए ये तो नीचे से चला गया जीरो हो गया, यानी 4 sin θ = 0 sin θ = 0। अभी मैंने बताया था कि sin θ = 0 होता है तो θ = कितना होगा (n π), नोट कीजिए। चलिए ठीक है मित्रों, कोई समस्या तो नहीं है। चलिए अगर यही क्वेश्चन कह देता कि इसका इसका शुद्ध काल्पनिक है, यही क्वेश्चन कह देता कि शुद्ध काल्पनिक है, तो शुद्ध काल्पनिक के लिए मुझे बताइए कि इसका क्या होता हल। चलिए बताइए मित्रों, अगर यही क्वेश्चन कह देता ये शुद्ध काल्पनिक है, शुद्ध काल्पनिक तो सर इसका थीटा इक्वल टू हो जाता। हाँ तब आएगा (n π - -1 - π/4) हाँ π/4 नहीं, सबने गलत बताया भैया, सबने सब हाँ अब बोले हैं सर जी π/6 वाले, उसके पहले जितने लोगों ने बताया सबने गलत बताया। देखिए भैया हमने कहा है शुद्ध काल्पनिक,
शुद्ध काल्पनिक होने के लिए रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर जीरो, और रियल पार्ट कितना है 1-4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1+4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो। तो 1-4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर जीरो यानी 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6। अब आप लोग जानते हैं व्यापक हल होता है साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा का व्यापक हल होता है एक्स इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसका हो जाएगा थीटा बराबर एन पाई प्लस माइनस π/6। नोट कर लीजिए मित्रों, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर, आ गया। हाँ चलिए। सर मैंने ना सीधे सीधे साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली थी, इसके बाद व्यापक हल कर रहा था उसका, इस वजह से मेरा गलत हो गया। हाँ सर, इस तरीके से आएगा क्योंकि इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है सर। हाँ, स्क्वायर वाला फॉर्मेट है। हाँ, मैं एक बात बता दूं मित्रों, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा हो या कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा हो या टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा हो, तीनों के सामान्य हल एक ही होते हैं, एक्स बराबर एन पाई प्लस माइनस अल्फा। नोट कर लें। चले आगे। चलिए जी सर, अगला समीकरण देखिए। अगला समीकरण है, आपको बिंदु पद बताना है, बिंदु पद बताना है। समीकरण आपके सामने मैं दे रहा हूँ, 2z-1 इक्वल टू z-2। ये देखिए बिंदु पथ आपको बताना है, 2z-1 इक्वल टू z-2 का बिंदु पथ क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 5। ऑप्शन नंबर बी है आपके पास में वाई बराबर 4x। ऑप्शन नंबर सी है एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू 1। और ऑप्शन नंबर डी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। स्ट्रेट लाइन नहीं है सर, कैसी बात कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन तो है ही नहीं है, ये सर्किल होगा सर। हाँ, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दोनों आ गए तो स्ट्रेट लाइन तो हो ही नहीं सकता है। चलिए मित्रों, मैं आपको बता दूँ देखिए कुछ चीज़ें। सबसे पहले आप ये देखिए कि अगर आपके पास कोई समीकरण आ रहा है इस तरीके का है क्या, जेड माइनस अल्फा बराबर जेड माइनस बीटा, अगर इस तरीके का हो तो आँख मूंद करके आप देखिए कि सरल रेखा कहाँ है, वही उत्तर होगा। सरल रेखा का फॉर्मेट बराबर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो। ये अगर आपको इस तरीके का दिया गया है तो जेड माइनस अल्फा बराबर जेड माइनस बीटा। अगर नहीं दिया गया है तो सुनिए, फिर दोनों जेड के गुणांक देखिए, इसका गुणांक 2 है और इसका गुणांक कितना है मित्रों, 1 है। अगर दोनों जेड के गुणांक अलग अलग हैं, यहाँ पे देखिए दोनों जेड के गुणांक एक जैसे थे तो सरल रेखा था, अब यहाँ दोनों जेड के गुणांक अलग अलग हैं तो उत्तर होगा वृत्त। क्या होगा, वृत्त। ये ट्रिक होता है सर। हाँ सर, ये ट्रिक है। तो वृत्त का समीकरण सर एक ये है और एक ये है। अब तुक्का मारने की बारी हो तो इन्हीं में तुक्का मारिएगा दोठों में, मगर हम तो यहाँ पूरा पूरा आपको सवाल करके बता देते हैं। तो सवाल करने का तरीका, इसको हल करने के लिए जहाँ जेड है वहाँ एक्स प्लस आई वाई चपका दीजिए, उत्तर दौड़ा दौड़ा आपके पास आ जाएगा। चलिए हल करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये 2x प्लस आई वाई माइनस का 1 बराबर एक्स प्लस आई वाई माइनस का 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए अंडर रूट, ये हो जाएगा 2x-1। तो अंडर रूट 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है, अंडर रूट। अब क्या करिए, दोनों तरफ आप यहाँ पर वर्ग कर दीजिए, आप दोनों तरफ जो है यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, वर्क कर दीजिए। सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर। सर आप फिर से एक बार लेफ्ट होके जुड़ जाइए,
एक बार फिर से लेफ्ट होकर के आप जुड़ जाइए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया मैं, यहाँ 2y आएगा, ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे 2y का होल स्क्वायर आएगा, क्योंकि x प्लस आई वाई था ना, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी हुआ था। चलिए मित्रों, अब आगे देखते हैं। यस, यहाँ तक सभी को आई होप क्लियर होगा। अब इसके आगे देखते हैं। हाँ, तो क्या है अपने पास में भाई साहब, ये अपने पास में है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों का वर्क कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर बराबर x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। चलिए खोल दीजिए इसको, ये 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 प्लस 4y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और प्लस y का स्क्वायर, ये हो गया। ठीक है मित्रों, अब देखिए भैया, यहाँ पे माइनस 4x से माइनस 4x कैंसिल, 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर गया, बचा 3x स्क्वायर, अब 4y स्क्वायर में से y स्क्वायर बचा प्लस का 3y स्क्वायर, और 4 में से 1 माइनस हो गया, बचा 3, 3 कॉमन लेके काट दीजिए, आंसर बन गया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 1। कहिए समझ में आया कि नहीं आया? देखिए सर, मैंने आपको ट्रिक बता दिया, आपके पास था क्या, ए जेड माइनस अल्फा और बी जेड माइनस बीटा, गुणांक अलग अलग हैं तो भैया पक्का व्रत होगा, पक्का 100% व्रत होगा। ये भी ट्रिक काम कर सकता है, जैसे उसमें 1 था यहाँ पे 2 है, तो दोनों का डिफरेंस जो होगा वो रेडियस के बराबर होगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अगला सवाल लीजिए मित्रों, अगला सवाल आप लोग करेंगे, माइनस 4 प्लस 3i का स्क्वायर रूट निकालिए। चलिए बताइए, माइनस 4 प्लस 3i का स्क्वायर रूट हम आपको पढ़ा चुके हैं क्या होता है। 8 लोग जुड़े हैं अभी भी, बहुत बढ़िया। माइनस 4 प्लस रूट 3i का स्क्वायर रूट क्या होगा, क्या बताएं स्क्वायर रूट का फॉर्मूला, याद है कि नहीं याद है? फॉर्मूला सर एक बार लिख दीजिए, प्लस माइनस अंडर रूट ओके मॉड ऑफ जेड प्लस ए बाई 2 प्लस आयोटा ओके अंडर रूट मॉड ऑफ जेड माइनस ए बाई 2, ये होता है। इतना समय नहीं लगना चाहिए सर इस क्वेश्चन में। नहीं आ रहा क्या आंसर? आएगा प्लस माइनस 1 प्लस 3 आयोटा अपॉन अंडर रूट 2। बताइए नहीं आया क्या ये क्वेश्चन आंसर? हेलो, अरे बोलिए मित्रों। नहीं सर, नहीं पाया। नहीं आया क्या? आ गया? नहीं सर, ए की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे मॉड ऑफ जेड? सर ए होगी माइनस 4 होगी ना ए। आ गया सर, आ गया, आ गया। मॉड ऑफ जेड तो 5 होगा। हो गया। अरे सर देखिए, 5 में से 4 गए, 5 में से 4 गए, एक तो पहला बन गया 1/2, तो रूट 2 आ जाएगा बाहर, और 5 है ना, और ये 5 है, और 5 में अपने पास फिर 4 जुड़ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 4 हो जाएगा, तो 9 आ जाएगा, तो 9/2 का रूट कितना आएगा, 3/√2। तो आ तो रहा भाई साहब, साफ क्लियर है कि नहीं मित्रों, बताइए। जी सर, हो गया, हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लिखते हैं, कितना जल्दी करिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड बराबर माइनस 12 माइनस का 5i का स्क्वायर रूट बताइए। माइनस 12 माइनस 5i, तो a बराबर कितना होगा यहाँ, माइनस का 12,
क्या होता है, अंडर रूट जेड इक्वल टू, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट जेड मॉड ऑफ जेड, ठीक ना, मॉड ऑफ जेड माइनस ए बाई टू, ठीक है सर, प्लस ए बाई टू, सॉरी पहले वाले में प्लस होता है और दूसरे वाले में प्लस माइनस ब्रैकेट वन प्लस फाइव आई बाई टू अपॉन रूट टू जेड माइनस ए बाई टू। चलिए बताइए कितना होगा, प्लस माइनस ब्रैकेट वन प्लस माइनस फाइव आई अपॉन रूट टू। बिल्कुल सही, वेरी गुड। तो इसका आंसर जो आपका आया, हो गया, मेरा भी हो गया। इसका जो आपका आंसर आया है वो आया है वन बाई रूट टू प्लस माइनस में और ब्रैकेट में वन माइनस फाइव आयोटा। क्या यही आंसर है? जी सर यही है। सही, चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन लिखिए, वन प्लस आई की पावर एन का। सर मेरा एक डाउट है। हाँ जी सर। सर जैसे हमारे पास दोनों इसमें नेगेटिव साइन आ रहे थे हमारे पास। हाँ तो सुनिए सर, मैं समझ गया। और हमने भी कहा जी सर, माइनस फाइव माइनस ट्वेल्व आयोटा है, ठीक है सर। तो यहाँ प्लस माइनस लगाइए, ठीक है जी। मॉड ऑफ जेड प्लस ए बाई टू, बीच में क्या आएगा सर, माइनस, क्या आएगा, माइनस, ठीक है सर। ओके सर। और मॉड ऑफ जेड हमें सिर्फ आई का साइन देखना ओनली। हाँ केवल आपको इसका साइन देखना, आई वाले का, और ये बिना साइन के साथ इसको ए कहलाएगा, ये चिन्ह के साथ ये ए कहलाएगा। तो ए बराबर यहाँ पे होगा माइनस फाइव, ठीक है सर। चलिए सर क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिखिए, वन प्लस आई की पावर एन का वास्तविक भाग बताइए। वन प्लस आई की पावर एन का वास्तविक भाग बताइए। बहुत सरल सवाल है। टू के पावर एन बाई टू कास कास एन कास एन पाई बाई फोर। फिर से बोलिए सर। टू के पावर एन बाई टू कास एन पाई बाई फोर। बिल्कुल सही, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं मित्रों, टू अपॉन, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं रूट टू अपॉन रूट टू वन प्लस आई का होल पावर एन। अब हम क्या करते हैं, देखिए पूरे में से रूट टू का पावर एन बाहर ले लेते हैं और बाकी वन प्लस आई अपॉन रूट टू का होल पावर एन कर देते हैं। रूट टू का पावर एन बैठा रहेगा और इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम लिख लेंगे वन अपॉन रूट टू प्लस आई इन टू वन बाई रूट टू का होल पावर एन। ये क्या बन जाएगा, रूट टू, ये बन जाएगा कॉस पाई बाई फोर प्लस आई साइन पाई बाई फोर का होल पावर एन। और आपको पता है कि एन अंदर घुस जाएगा, तो ये हो गया अंडर रूट टू कॉस एन पाई बाई फोर प्लस आई साइन एन पाई बाई फोर। अब आपसे इसका वास्तविक भाग पूछा है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, वास्तविक भाग होगा रूट टू कॉस एन एन पाई बाई फोर। रूट टू की पावर एन होगा। हाँ सर, वो मिस्टेक से छूट गया था, रूट टू का पावर एन कॉस पाई बाई फोर, नोट कर लीजिए। और इमेजिनरी भाग पूछे तो रूट टू का पावर एन साइन एन पाई बाई फोर, और रूट टू का पावर एन को, रूट टू का पावर एन को आप टू का पावर एन बाई टू भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो वास्तविक भाग होगा 2 की पावर n बाई टू कॉस ऑफ n बाई बाई फोर भी बोला जा सकता है, ठीक है मित्रों। ठीक जी सर। चलिए आर्गुमेंट की प्रॉपर्टी तो खैर आप लोगों ने पढ़ी ही है, उसमें कुछ बताना है नहीं। अगला क्वेश्चन लिखिए। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन, टीजीटी में आया हुआ। एक्स एन का मान यदि है कॉस ऑफ पाई अपॉन टू का पावर एन प्लस आई साइन पाई अपॉन टू का पावर एन, तो आपको बताना है एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री इंटू डॉट 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 अनफनति पदों अनंत पदों तक का गुणनफल कितना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। माइनस वन बिल्कुल रटे बैठे हैं एकदम, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो एक्स वन देखिए, तो एक्स वन क्या हो जाएगा भाई साहब, इसमें x1 हो जाएगा
x1 जो अपना होगा यदि x की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो cos pi by 2 प्लस i sin pi by 2, और दूसरा कितना हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा cos sir, pi, बहुत याद आन सर, cos pi by 2 का पावर 1 से 2 का पावर 2 करेंगे, cos pi by 2 का पावर 2 प्लस i sin pi by 2 का पावर 2 इंटू cos pi by 2 का पावर 3 प्लस i sin pi 2 का पावर 3। अब ऐसे चलता जाएगा। अब एक प्रॉपर्टी होती है आप लोगों ने याद की होगी कि एक प्रॉपर्टी हुआ डिमॉर्गन्स थ्योरम से cos ऑफ थीटा प्लस i sin थीटा 1 इंटू cos ऑफ थीटा 2 प्लस i sin थीटा 2, अगर दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाता है cos ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 और प्लस i sin थीटा 1 प्लस थीटा 2। बोलिए होता है कि नहीं होता? जी सर करेक्ट है। हाँ सर, इसको आयलर को भी लगा सकते हैं, आयलर से लगा। हाँ बिल्कुल आयलर से लगाइए सर। लीजिए e की पावर i थीटा 1 इंटू e की पावर i थीटा 2, तो ये हो जाएगा, गुणा करने पर बेस समान है, पावर ऐड हो जाएगा, e की पावर i थीटा 1 प्लस थीटा 2। बोलिए हाँ है ना, है ना सर। तो इसीलिए तो इसका कोणांक यहाँ पे जुड़ गया है। तो अब देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बनेगा वो क्या आएगा, देखिए हमारे पास जो इक्वेशन है यहाँ पे आएगा एक्स एन गुणन फल बराबर, सभी का गुणन फल एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स एन, एक्स वन इंटू एक्स टू डॉट 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 एक्स एन बराबर कॉस ऑफ, सबको जोड़ दो, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू का पावर टू, ठीक है ना, प्लस पाई बाई टू का पावर थ्री प्लस डॉट 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 प्लस आई साइन पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू का पावर टू प्लस पाई बाई टू का पावर थ्री प्लस डॉट 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 ये आएगा। ध्यान से देखिए ये जी पी बन रहा है, ये क्या बन रहा है, ये इन्फाइनाइट जी पी बन रहा है, और ये आएगा कॉस ए, ए यानी पाई बाई टू अपॉन ए अपॉन वन माइनस आर, तो पाई बाई टू वन बाई टू आ जाएगा इसका आर, और प्लस आई साइन ए यानी पाई बाई टू अपॉन वन माइनस आर यानी वन बाई टू, कॉमन कॉमन रेशियो सर्वांतर। मित्रों पता है ना सर्वांतर कैसे निकालते हैं, अगला पद बटे पहला पद। जी सर। तो देखिए कितना आ गया, नीचे एक में से आधा गया तो बचा आधा, आधे से टू कैंसिल हो गया कॉस पाई, और कॉस पाई का वैल्यू होता है माइनस वन, और अगला बचेगा साइन पाई, साइन पाई का वैल्यू जीरो। आंसर कितना आएगा मित्रों, माइनस वन। और अभी तो एक सर ने जवाब दिया, उन्होंने तो रट के बैठे हैं आंसर भैया, बहुत जल्दी जवाब दे दिए वो, बहुत सही। चलिए मित्रों अगले सवाल की ओर चलते हैं, अगला सवाल बहुत बढ़िया। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यानी निर्देशांक ज्यामिति के। याद रखिएगा निर्देशांक ज्यामिति के क्वेश्चन आपको मूर्ख बनाने का काम करेंगे, उनका उद्देश्य आपसे मेहनत करवाना नहीं होता है, आपका ऑब्जर्वेशन चेक करना होता है। आइए देखिए क्वेश्चन, पिछले बार एग्जाम में एक क्वेश्चन आया कि एक त्रिभुज है उसके मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक दिए थे 5.2, ओके 5.2, 3.3 और 2.2 ये दिए थे, और बोले भैया केंद्रक ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, केंद्रक। तो लोग क्या करने लगे, इसको बोले x1.y1 और x2.y2 और x3.y3, और भैया देखो ये केंद्रक ज्ञात करने को बोल दिए। तो लोग ये निर्देशांक पहले निकालने में जुट गए, जबकि सुनिए थ्योरम होती है कि जो केंद्रक त्रिभुज का होता है वही केंद्रक इसका होता है जो इसके मध्य बिंदु को मिलाने पर त्रिभुज बनता है। तो आपको सीधे सीधे सॉल्व करना था, इसी त्रिभुज का केंद्रक निकालना था, सर माइक बंद कर लीजिए, इसी त्रिभुज का केंद्रक निकालना था। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, तो 10/3, और 2 और 3 5 और 2 7/3, आंसर था 10/3 और 7/3। कहिए सर आया कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ, और एक चीज़ और कि अगर पूरे त्रिभुज का एरिया, अगर पूरे त्रिभुज का एरिया 32 स्क्वायर यूनिट है, 32 वर्ग इकाई, तो इस त्रिभुज का एरिया जो होगा इसका 1/4 होगा मध्य बिंदु वाले का, यानी 4/4,
तो कितना होगा आंसर 8। क्यों? क्योंकि चार हिस्से टूट रहे हैं, देख लो, एक हिस्सा ये टूट रहा है, एक हिस्सा ये टूट रहा है, एक हिस्सा ये टूट रहा है, तो टोटल चार हिस्से हैं, इसलिए बीच वाले त्रिभुज का एरिया भी पूछा जा सकता है। ये बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का कितना होगा? 1/4। कितना होगा? 1/4। कहिए मित्रों, समझ में आया कि नहीं आया? जी सर। चलिए अब अगला देखिए, अगला लिखिए, अगला ट्रिक लिखिए। अगला ट्रिक है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आपके पास है, कोई आपके पास है x1y1, x2y2, x3y3। बताइए त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला सबको पता है, 1/2, अंदर क्या होता है? x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। हाँ, ये होता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। हम आपको इससे भी सरल शॉर्ट कट भी होता है एक सर। हाँ सर, दो का मतलब इसमें मतलब शॉर्ट कट भी होता है इसका एक। हाँ, एक इसका, एक इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, हम आपको उस शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। सबसे पहले 1 2 लिखिए और यहाँ लिखिए x1 और यहाँ लिखिए x2, यहाँ लिखिए y1 और यहाँ लिखिए y2, और यहाँ पे x1 x2 में दोनों में x3 माइनस करिए और y1 y2 में y3 माइनस करिए। इस तरीके से त्रिभुज का एरिया निकाला जाता है। आइए इस पर एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ। लिखिए, यदि आपके पास कोई त्रिभुज है, यदि आपके पास कोई त्रिभुज है और उस त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हैं 1, -3, 4, -3 और -9, -9, k, तो आपको बताना है कि यदि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया है 15, क्षेत्रफल कितना दिया गया है 15, तो आपको बताना है k का मान क्या होगा। चलिए बताइए, दिए आपको एक मिनट, k का मान क्या होगा? बताइए मित्रों, उत्तर बताइए। नहीं आ रहा क्या? सर, k की वैल्यू 43। 43 नहीं सर, देखिए सर, 13, -3, 1, -3 है, 4, -3 है। हाँ सर, सर टू वैल्यूज हैं। हाँ, 13 -7, 13, -7 गलत है सर। सॉरी, -3, -3 गलत है सर। गलत, 13 -7। देखिए सर, ये अपने पास त्रिभुज है, इसके जो निर्देशांक दिए गए हैं 1, -3, दूसरा निर्देशांक दिया है 4, -3 और तीसरा निर्देशांक दिया है -9, k। अभी अभी मैंने आपको बताया जो क्षेत्रफल होता है 1/2, यह है x1, यह है x2, यहाँ लिखिए 1, यह है 4, यह है y1, -3, यह है y2, ये भी कितना हो गया? -3। ओके, सर, और अभी मैंने आपको बताया कि x3 को क्या करना है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो माइनस करेंगे तो ये +9 हो गया, ये भी इसमें +9 हो गया। अब इसमें y3 क्या है? -k, -k, ठीक है, इक्वल टू कितना? 8। तो 2 8 16, इधर कितना बन गया? 16। अब चलिए, 1 और 9 कितना हो गया? 10, और यहाँ कितना? -3+k, और यहाँ भी -3+k। पहले तो एरिया 15 बोला था, 9 4 13। हाँ, क्या सर? 15 बोला था सर। अरे सर, 15 ही है, तो 15 2 9 30, बिल्कुल सर 15 ही है एरिया, तो सर 13 and 7 आएगी वैल्यूज। हाँ, अब सही बोल रहे हैं सर आप, तो चलिए इसका मल्टीप्लाई करिए सर। देखिए,
तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना भैया, 10 3 30 प्लस 10 के, 10 3 30 तो माइनस का 30 और माइनस का 10 के, और ये हो जाएगा प्लस, पहले माइनस माइनस, तो 13 3 39 और प्लस 13 के बराबर, मॉड हटेगा तो 2 साइन आते हैं प्लस माइनस 30, तो 30 माइनस का ये कितना बच गया भैया, माइनस का 30 प्लस का 9 बच गया, और 13 में से 10 गए तो प्लस का 3 के बराबर प्लस माइनस 30, तो 3 के बराबर प्लस माइनस 30, और माइनस का कितना भैया 9, चलिए एक बार प्लस लीजिए, तो 3 के बराबर 30 माइनस 9, 3 के बराबर 21, यानी k का मान 7, ऑप्शन में यही बस उत्तर था इसलिए 7 लगाएंगे, और एक बार माइनस भी ले सकते हैं तो एक और उत्तर आएगा इसका, वो कैसे आएगा, 3 के बराबर माइनस का 30 माइनस का 9, 3 के बराबर माइनस 39 और k बराबर माइनस का 13, मित्रों यही उत्तर आया है कि नहीं आया बताइए। सर अब आ गया, पहले y की वैल्यू में माइनस 3 नहीं लगाया था, वो छूट गया था। तो सर ये कहने का पर्याय ये है सर, ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं परंतु बहुत लोग इसमें गलती करके आए हैं, बहुत लोग है ना, क्योंकि प्रैक्टिस की कमी होने के कारण इतना तेज दिमाग नहीं चलता है, और हम बता दें कि शिक्षकों के साथ एक बड़ी समस्या आ जाती है, क्योंकि शिक्षक का जो दिमाग हो जाता है वो एकदम बड़ी मेथड को पकड़ता है, उसकी आदत में बच्चों को समझाना होता है, तो उसका दिमाग कॉम्पिटेटिव वाला नहीं बचता है एग्ज़ाम देते समय। अगर कोई मतलब शिक्षक किसी पेशे से जुड़ा हुआ है कोई विद्यार्थी, तो उसका दिमाग कॉम्पिटेटिव वाला नहीं रहता, उसका दिमाग बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वाला पकड़ता है। तो कॉम्पिटेटिव की तैयारी करना एक अलग बात है और शिक्षक के काम से जुड़े रहना एक अलग बात है। कॉम्पिटेटिव में आपको चाहिए ज़बरदस्त स्पीड, और जो शिक्षक होता है वो पूरा ए टू जेड मेथड जाने पर होता है, वो एग्ज़ाम में भी लिखता है बेचारा आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, क्योंकि वो बड़ा डिसिप्लिन हो जाता है शिक्षक, इसलिए शिक्षकों के लिए जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीचर है उनके लिए ये और बड़ी मेहनत वाली चुनौती है। चलिए तो आज की क्लास को मित्रों यहीं पर समाप्त करते हैं, है ना। थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को जुड़ने के लिए। थोड़ी ही देर में यूट्यूब में आपका लाइव क्लास का सेशन आपको दे दिया जाएगा। धन्यवाद, नमस्कार।